प्रेसिडेंट विपरीत भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको नमस्कार। नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हो गए हैं और नतीजा आ गया है। संजय सिंह बबलू भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वो पूर्व ब्रजभूषा शरण सिंह, जो कि पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनके इस पद के हटने के बाद उन्हीं के करीबी संजय सिंह को अब ये कमान सौंप दी गई। इसके बाद तुरंत जब ये घोषणा हो गई कि संजय सिंह बबलू चुनाव जीत चुके हैं, तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा इंसान ही एक बार फिर चुनाव जीत गया, हम लोग हार गए। 40 दिन हम लोगों ने जिस तरह से आंदोलन किया, सड़कों पर सोए, लाठियां खाई, वो सब बेकार चला गया। और उन्होंने रोते रोते अपना शूज उठाए और वो मेज पे जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, उन्होंने मेज पर रखी और उसके इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी रिंग पर नहीं उतरूंगी। पहले देख लीजिए ये वीडियो। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट विपरीत भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दिखूंगा। बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में भारतीय कुश्ती संघ ब्रजभूषण अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम आरोप लगे थे, यौन शोषण के आरोपों के बाद उन पर दबाव बनाया गया। ये काफी लंबे जंतर मंतर में अनशन हुआ। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के समर्थन में तमाम देश की खाप पंचायतें आई। खाप पंचायतों के साथ आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये डिमांड करते रहे कि मेरे खिलाफ जांच करा लो, मैं निर्दोष हूं, राजनीति के तहत मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच उनके ऊपर पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज कराने की यहां पर बात हुई। कहा गया कि जिसमें से दो महिला खिलाड़ी हैं कुश्ती की, जिन्होंने जो कि नाबालिग है, उन्होंने यह आरोप लगाया कि जिस समय ट्रेनिंग हो रही थी उस वक्त जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत तरीके से, गलत इरादे से छुआ। विनेश फोगाट ने भी आरोप लगाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के छूने का तरीका गलत था। उसके आरोपों के बाद बहुत राजनीति हुई और फिर इसी साल जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल भी पूरा हो रहा था, उसके बाद में अब जो नए शख्स आए हैं संजय सिंह बबलू का, लगभग डेढ़ दशक से पहलवानी से उनका लगाव रहा है और अभी वर्तमान में वो बनारस के पहलवान कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इनका मुकाबला अनीता शेरन से था। अनीता शेरन जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं, ये वही महिला हैं जिन्होंने 2010 में गोल्ड, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद में अगर ये अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतती है अनीता शेरन, तो भारतीय कुश्ती संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी होती। लेकिन इनके ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी कहे जाने वाले संजय सिंह, जो कि चंदौली के रहने वाले हैं, उन्होंने इस चुनाव को जीत लिया है और उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह भी कहा, जिनको कुश्ती लड़नी है, जिनको खेलना है, वो खेल रहे हैं, लेकिन जिसको राजनीति करना है वो भी राजनीति कर रहा है। उनका सीधा सीधा कटाक्ष विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के ऊपर था, क्योंकि आंदोलन के समय ये तीन चेहरे सबसे ज्यादा उभरे थे। और इसके बाद में इनको तमाम राजनीतिक पार्टियां, जैसे कि कांग्रेस, प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पहुंची थी, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, उनको कांग्रेस का समर्थन, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम दलों के नेता, खाप पंचायतों के नेता उनके पास पहुंचे थे। और इसके बाद में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से धरने के बाद में अराजकता हुई, वहां पर इन लोगों को लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन उसके बाद आज जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह बबलू यहां पर चुनाव जीत गए हैं,
तो इसके बाद एक बार फिर ये तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए और वो तस्वीरें साक्षी मलिक वहां से रोते रोते उन्होंने तमाम बातें कही। इसके अलावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी जल्दी से उधर से रोते हुए वो उस एरिया से निकली। तो आज ये लग रहा था कि लगभग एक बड़ा खिलाड़ी रेसलर जो है साक्षी मलिक का नाम जो है किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन आज वो रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने खेल को अलविदा कह दिया। इसी के साथ में ब्रजभूषा शरण सिंह ने भी देश के सभी पहलवानों को जिन्होंने उसमें चुनाव में वोट किया उन सबको शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा था कि इन लोगों के चलते एक साल तक चुनाव टल गए और इसी के कारण जो है भारतीय कुश्ती संघ का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, खिलाड़ियों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये नुकसान आगे नहीं होगा और अब मिलजुल कर सभी लोग खेल इस खेल को फिर से वापस पटरी में लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे।